एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लेके आई थी। तो मैं करवा चौथ के लिए थाली सजाने के लिए जा रही हूँ, तो बस उसी की शॉपिंग करके आई थी। और अगर आपके पास घर में कुछ सामान है तो आप उससे सजा सकते हो, नहीं है तो आप मार्केट से इजिली ले सकते हो, अच्छे से मिल जाता है सारा सामान। तो चलिए देखते हैं करवा चौथ के लिए थाली कैसे सजाते हैं। और मार्केट में अगर आप वो थाली लेने के लिए जाओगे ना, तो आपको 500 से तो स्टार्टिंग होती है और 3000 तक जाती है। तो क्यों ना हम कम से कम पैसे में और कम से कम सामान में अपने घर पर ही थाली सजा के तैयार कर सकते हैं, और आप उसे काफी टाइम तक के लिए यूज भी कर सकते हो और किसी भी पूजा में यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं करवा चौथ की थाली कैसे सजाते हैं। तो करवा चौथ की थाली सजाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की थाली ली है स्टील की, और एक करवा लिया है स्टील का, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकती हैं। और मैंने साथ में लिया है छलनी, और अगर आपको दीपक वगैरह भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बर्तन जो है वो नए होने चाहिए, यूज़ किए हुए मत लीजिएगा। तो ये तीन बर्तन मैंने ले लिए हैं, यही मेन होते हैं करवा चौथ में। और यहाँ पर मैंने सजाने के लिए लिया है चार तरह के मैंने गोटे लिए हैं, आप चाहे तो एक तरह का गोटा भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिए हैं स्टोन, ये इजीली चिपक जाते हैं, फेविक्विक लिया है, और ये हैं चौकोर वाले कांच, ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे, ये गोल वाले कांच लिए हैं। और ये है लटकन, जो हम ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं ना, वही मैंने लटकन लिया है छलनी में लगाने के लिए। और ये मैंने रेड कलर लिया है क्योंकि रेड कलर शुभ होता है, वाइट कलर लिया है जिससे वाइट कलर के ऊपर रेड कलर अच्छे से आता है, पहले हम वाइट कलर करेंगे उसके बाद रेड कलर करेंगे। यहाँ पे एक ब्रश लिया है, और ये स्टोन भी लिए हैं कलरफुल वाले, ये भी इजीली चिपक जाते हैं, और साथ में लिया है फेविकॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थाली को सजाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छलनी ली है, और ये गोटा मैं छलनी पे लगाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गोटा, और मैं फेविकॉल से चिपका रही हूँ। आप कोशिश करें कि ग्लू गन ही लें, क्योंकि फेविकॉल से चिपकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे भी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वही लेके आ जाऊँगी। और बस अच्छे से मैंने इसे चिपका दिया था। तो मैं छलनी सजा ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड जी आ गए और उन्होंने मेरी अच्छे से हेल्प की है। तो ये जो हमने लटकन लिया था ना, इसे छलनी के कुंदे में इस तरह से हमने लटका दिया है, और इसी के ऊपर इस गोटे को भी चिपका देंगे, जिससे ये लटकन जो है वो अच्छे से सेफ रहेगा, निकलेगा नहीं बार बार। और बस इस तरह से पूरी छलनी पर हमें गोटा लगा देना है। तो ये देखिए पूरी तरह से गोटा लगा दिया है, और हस्बैंड जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये देखिए छलनी पूरी तरह से रेडी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। और गाइस पता है आपको, ये मार्केट में जब हम लोग लेने के लिए जाते हैं इस टाइम पे, करवा चौथ के टाइम पे थालियां मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, 500 से तो स्टार्ट ही होती हैं, और हम 100 या 150 रुपए में घर पर ही सजा के तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बर्तन रखिए ना, तो सिर्फ आपके 100-150 रुपये लगेंगे, और अगर आप बर्तन भी लेके आते हो मार्केट से, तो आप 300 रुपये में अच्छे से थाली सजा सकते हो। तो छलनी के अंदर भी मैंने रेड कलर कर दिया है, क्योंकि वो स्टील जैसा दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, और जो व्हाइट कलर के स्टोन थे ना, उस तरह से ये हमने लगा दिए हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं। मैंने गैप छोड़ छोड़ के ये मैंने 4 या 5 तरह से लगा दिया है इसे। तो मैं पिंक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिंक कलर का भी गोटा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर थोड़ा सा पिंक भी कर देती हूँ। तो गोटे के ऊपर ही हमने जो पतला वाला गोटा था पिंक कलर का, वो लगा रहे हैं, जिससे थाली की मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि रेड कलर का सिर्फ इतना सा ही था हमारे पास गोटा। तो ये हमने छलनी पर यूज़ कर दिया है, और पिंक कलर भी यूज़ कर देते हैं, जिससे ये पूरा मैचिंग हो जाएगा। तो छलनी एकदम रेडी हो गई है, और अब बारी आती है करवे की। तो करवे को भी सजाया जा रहा है, और यहाँ पर मैंने फेविकॉल लिया है, बस फेविकॉल को हमें राउंड शेप में लगा देना है पूरी जगह पे, और इसके ऊपर लगाएंगे गोटा।
गोल्डन कलर के गोटे के ऊपर पिंक कलर का ये पतला वाला गोटा लगाया गया है दोनों तरफ से, जिससे ये छलनी से थोड़ा सा मैच हो गया है। और अब ऊपर से हम लोग ये इसके ऊपर लगा देंगे वाइट कलर के जो स्टोन थे ना, ये चिपक जाते हैं, इसे फेविकॉल से चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही चिपक जाते हैं। ये पूरा लगा दिया है और अब थोड़ा सा रेड कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को बोला है कि आप यहाँ पर रेड कलर भी कर दीजिए। तो जो ऊपर का भाग दिख रहा है आपको स्टील वाला, वहाँ पर ये रेड कलर कर देंगे। तो रेड कलर करने के बाद इसके ऊपर एक चौड़ा सा गोटा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये भी पिंक कलर का है। आधे से ज़्यादा सामान मेरे पास रखा हुआ था सजाने का, आपके पास भी रखा है तो आप अपनी थाली को बहुत अच्छे से सजा सकते हो। इसके बाद मैंने एक लाइन लगाई है, ये इस तरह से मेरे पास मोती रखे हुए थे तो मैंने इस तरह से पूरी मैं एक लाइन बना दी है। और ये हमारा करवा एकदम से बन के रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब थाली को भी सजा ही लेते हैं। और यहाँ पे जो स्टिकर लगे हुए हैं वो मैं निकाल दूंगी सबसे पहले, तो मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, उसके बाद इसे निकाल दिया था अच्छे से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले व्हाइट कलर लिया है, क्योंकि व्हाइट कलर के बाद ही रेड कलर अच्छे से आएगा। और अगर आपको पिंक कलर बनाना है तो आप रेड कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड कर दीजिए, आपका पिंक कलर भी बनके रेडी हो जाएगा। पिंक और रेड दोनों ही शुभ कलर होते हैं, आप दो में से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। तो व्हाइट कलर अच्छे से सूख चुका है, अब मैं यहाँ पर इस पर रेड कलर कर रही हूँ। तो एक कोटिंग की थी मैंने, उसके बाद डबल कोटिंग भी की थी और उसके बाद फिर मैंने शाइनिंग भी चिपकाई थी। तो अभी आप आगे चल के देख ही लेंगे। तो मैंने थाली के ऊपर डबल कोटिंग की है, और इसलिए की है क्योंकि इससे बहुत अच्छे से कलर उभर के आएगा और मुझे शाइनिंग भी इसके ऊपर डालनी है। तो पहली वाली कोटिंग मैंने अच्छे से सुखा ली थी, उसके बाद ही शाइनिंग डालेंगे। और सो गाइस, क्लिप तो छोटी छोटी थी और आगे पीछे थी सारी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए आप कंफ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने एक साथ में लगाया, छलनी वाला एक साइड कर दिया, करवे वाला एक साइड कर दिया और थाली वाला एक साइड कर दिया है। वैसे मैंने थाली बीच में सूखने के लिए रख दी थी, इतनी देर में मैंने छलनी सजा ली थी और जब तक करवा सूख रहा था तब तक मैंने इस तरह से थाली को कर लिया था। तो इस तरह से हमने बनाया था, इससे टाइम बहुत बच जाता है। अगर आप एक चीज़ को लेकर के बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था मेरे को, इसको सजाने में 2 से 3 घंटे लगे थे। और इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, आप इजी होगा। तो ये थाली पे हमने पेंट कर दिया है अच्छे से और इस पे हमने शाइनिंग भी डाली है, जिससे थाली बहुत अच्छी एकदम से शाइनी शाइनी दिख रही है। इसके ऊपर हमने चौड़ा वाला गोटा लगाया है फेविकॉल से, और इसके ऊपर ये जो किनारे दिख रही है वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ये एक बार एक और गोटा हमारे पास रखा हुआ है पिंक कलर का, तो पिंक कलर देने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसे पूरी गोलाई में लगा दिया है। तो ये गोटे से तो रेडी हो गई है, अब बीच का काम रह गया है। तो यहाँ पे मैंने गोल वाले कांच लिए हैं, उन्हें एकदम सेंटर में हमें रखना है और उसके बाद आप देखिए आगे।
गोल कांच लगाने के बाद मैंने चौकोर वाले कांच भी लगा दिए थे और साथ में लगाया मैंने इस तरह से, आप देख सकते हैं वाइट वाले स्टोन। और आप अपने आइडिया से कोई कैसे भी सजा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं सजाने के लिए। तो लेकिन जितना भी सामान मेरे पास था वो मैंने अच्छे से कोशिश की है उसको सजाने की, और बहुत ही सुंदर थाली सज के तैयार हुई थी। तो ये जो मोती रखे हुए हैं मेरे पास वाइट कलर के, ये भी मैंने चिपका दूंगी। ये पहले मैं लगा के देख लेती हूँ, बिल्कुल हमें सेंटर में लगाना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो पहले लगा के देख लेती हूँ किस जगह में जो फेविकॉल लगानी है, फिर उसके बाद मैं सजा देती हूँ। तो आप देखिए मैंने फेविकॉल लगा दिया है, इसी तरह से आप भी सजाइएगा और बहुत सारे पैसे भी बचाइएगा, और हर साल ये यूज़ में आने वाली है, आप इसे संभाल के रख सकते हो। तो ये देखिए थाली कुछ इस तरह से दिख रही है सजने के बाद। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी तो और सजाना है। तो अब जो किनारी है ना वो अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर के स्टोन ही लिए हैं और उसकी एक एक लाइन लेकर के मैं चिपकाती जा रही हूँ, तोड़ तोड़ के चिपका रही हूँ क्योंकि राउंड शेप में सही से नहीं आ पाती है। एक बार में ना चिपकाएं पूरी, बीच में मैंने गिन गिन के मैंने 5 से 6 5 से 6 इस तरह से लेकर के मैंने चिपका दिए हैं। एक लाइन बना रही हूँ मैं, ये वाइट कलर की मेरे पास स्टोन मोती रखे हुए हैं, इसकी लाइन बना रही हूँ एक। और ये मोती थोड़े से कम पड़ गए थे तो मैंने साथ में जो कलरफुल वाले थे ना चिपकाने वाले वो भी लगा दिए थे। तो दो कांच मैंने इस तरह से लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, और बस ये थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। तो हमारी तीनों चीज़ें मैंने सजा दी हैं और तीनों चीज़ों को सजाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग गया था मुझे, और बहुत ही कम पैसों में मैंने घर पे सजाई और बहुत ही सुंदर लग रही है। इसे हम दिवाली में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पूजा में आप थाली का यूज़ कर सकते हो। तो गोटे के ऊपर थोड़ा सा मैं एक लाइन पिंक कलर की भी बना रही हूँ और इसके बाद ये थाली रेडी हो जाएगी, बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।